पैर की खाक को सर पे चढ़ा लिया था मेरे बेटे ने। इस गलती को ठीक तो करना था। दो कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी, ये कैसे हो सकता है? बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में यह साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है, और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीते मैं हारे। हिरत, हिरत, क्या हुआ बेटी? क्या बात है हिरत? बोलो ना। मैं कराची जा रही हूँ खाला, मुझे अशर से मिलना है, वरना उसकी माँ जीत जाएगी। खाला, कैसी बात कर रही हो तुम ये? मुझे कराची जाना होगा, मुझे अशर से मिलना है। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगी, कभी ना कभी तो वो उनसे मिलेगा ना। मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी, आप देखिएगा वो सबको ठीक कर देगा, एक एक से बदला लेगा वो। ठीक है चली जाना, लेकिन लेकिन अभी तो अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? क्या हो गया आपको खाला? आपको दिख नहीं रहा मेरे कपड़ों पे ये कीचड़, ये गंध। मुझे साफ करना होगा इसे, आप साफ करें मेरे लिए। अगर मैंने इसे साफ नहीं किया तो खाला मेरे बच्चे पे लग जाएगी। खाला साफ करें इस गंग को। अरे क्या हो गया है तुम्हें किरण, क्या हो गया है? कोई गंग बंद नहीं है। चलो फायदा, फायदा जल्दी आओ, देखो किरण को क्या हो गया। फायदा, फायदा देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। किरण किरण सोचा रखो, सब कुछ जाएगा। इसको मिटा है मेरे कपड़ों से। अरे मेरी बच्ची। नहीं नहीं ठीक है, बैठ सकती हैं। अब कैसी तबीयत है इसकी? रात से बहुत बेहतर है। आप ये दवाएं और इंजेक्शन मंगवा लीजिए। जी, बच्चा तो ठीक है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे एहतियात की बहुत जरूरत है। कंप्लीट बेड रेस्ट करवाइए, बेड से बगैर जरूरत बिल्कुल ना उठने दें, वरना नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में दवाएं लेके। ठीक।